आप तमाम नाजरीन का T9 TV न्यूज में खैर मकदम है। मरने के 3 दिन बाद किया गया एक खातून का पोस्टमार्टम काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में। वहीदा बेगम 35 साल जो जलपल्ली के पास अपने बड़े भाई इसाक के घर पर रहते थे, 15 अगस्त के दिन इसाक और उनकी बीवी आयशा बेगम ने इसाक के छोटे भाई अनवर के पास वहीदा बेगम को छोड़कर गए थे। अचानक वहीदा का इंतकाल हो गया, लेकिन आयशा ने गुसल के वक्त वहीदा के गले पर कुछ निशान देखे। 29 अगस्त के दिन इसाक और आयशा ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करवाया और वहीदा की लाश को निकाल कर पोस्टमार्टम किया गया। बाकी तफसीलात काला पत्थर CI की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीदा बेगम है जिसकी डेथ हुई, जिसके मेरी ननन थी जिसकी डेथ हुई, उसका नाम वहीदा बेगम है। मैं आयशा बेगम, मैं जलपल्ली में रहती हूँ। बच्ची हैंडीकैप की थी, मैं लाके छोड़ी थी 8 दिन के वास्ते। 15 तारीख को लाके छोड़ी बच्ची को, 8-10 दिन के वास्ते रखो बोल के लाके छोड़ी। मैं छोड़े तो मेरे को 28 तारीख को या 29 को फ़ोन आया मेरे को कि बच्ची, 6:30 को फ़ोन आया बच्ची की डेथ हुई बोल के। मैं गई कपड़े पे, नहीं मेरे को नहीं मालूम हुआ, मेरे को मेरे नंदोई से मालूम हुआ, हमारे शहर को आया था फोन। देवर के पास छोड़ी थी, देवर के पास ले जाके छोड़े थे। तो 6:30 को फोन आया था बच्ची की डेथ हुई बोल के। जाके मैं कपड़े भी नहीं करी, नहीं दिखा लेके मैं सब करके PS में आके दूसरे दिन कंप्लेंट करी मैं। फोटोज वगैरह है? हाँ, फोटोज पूरा PS में, पूरे फोटो जो डोरी मिली पूरा गले पे निशान फोटो में है। आप कह रहे थे? मैं जलपल्ली। ना कह रहे थे? काले पत्थर। आप शिकायत जब भी क्यों ना करे पुलिस में? मेरे को कोई आगे बढ़ने नहीं दिए वहाँ, कोई सपोर्ट नहीं दिए थे मेरे को वहाँ पे, कोई सपोर्ट नहीं करे। जान दो हो गया, जान दो हो गया बोले मेरे को, कोई भी आगे बढ़ने नहीं। आपके देवर उनके बहन को पैसे के खातिर मारे हो? पैसे मैं बोली थी, सूत्रे का वजीफा बाप का वजीफा है, दोनों में आधे आधे दियो, बच्ची को भी होना पड़ता, दवाइयों को पेम्परों को बोल के लड़ी थी मैं। उन्हें शादीशुदा दो बच्चे हैं उनको। पेंशन कितना आता था वो नहीं मालूम हमको, आज तक हमने पूछे। तो जो जिसकी डेथ हुई तो ना हैंडीकैप थे? हाँ हैंडीकैप थे। क्या थी उनकी? 40 के करीब थी। हाँ, जिसकी डेथ प्रॉपर्टी थी? नाम तो प्रॉपर्टी है, घर है, उनके वालिद का घर है, मरहूमा है उनके, उनके वालिद का घर है। कहाँ पर है? दक्कन बेकरी पीछे। प्रॉपर्टी मतलब घर था? घर जाती है वो, घर के बाद। कल शाम में एक मैम रिटर्न कंप्लेंट लिया था, रिसीव कर लिया। कंप्लेंट का नाम मोहम्मद इसाक सनाफ इकबाल। परसों 28 के शाम में उसका सिस्टर इंतकाल हुआ था, उसके बारे में सस्पिशियस है बोल के एक दरखास्त दिया। वो सस्पिशियस भी उसका भाई और उसका भाई का मिसेस के ऊपर दिया। वो लोग माँ बाप को, 5 बच्चा है, 2 मर्द बच्चा, 3 औरत बच्ची है, और उसका अब्बा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 ईयर से पहले रिटायर्ड हो गए। उसका माँ भी 10 साल से पहले मर गए थे। अब ये दोनों, छोटा भाई के पास अब्बा रहता, बड़े भाई के पास जो 35 ईयर्स वाहिदा बेगम बाई बर्थ फिजिकली हैंडीकैप्ड और मेंटली रिटायर्ड, ये दोनों के पास ऐसा ये रहता था। एक 15 दिन पहले 14/8/2022 उसका मिसेस, कंप्लेंट का मिसेस तबीयत अच्छा नहीं है तो उसका भाई के पास आके बहन को छोड़ दिया था। कल शाम में कोई रिश्तेदारों से मालूम हो गया आपका सिस्टर मर गया बोल के, आके देख लिया। जो भी दफन करने का बिफोर उसको पानी निलाने से टाइम पे उसका मिसेस देखे, जो गला पे थोड़ा इंजरी मास्क दे मार्क दिख रहा बोल के उसका हस्बैंड को बोले तो उन्हें फ़ोटो खींचो बोल के फ़ोटो ले लिया। उसके बाद इंतकाल हो गया यहाँ मस्जिद हुसैनी कामाटीपुरा लिमिट्स में उसको दफन कर दिया था। उसके बाद कल शाम में उसको क्या हुआ कि आके कंप्लेंट दिया तो हम केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा। आज बहादुरपुरा तहसीलदार और टीम ऑफ डॉक्टर से यहाँ का इंक्वेस्ट कंडक्ट करा। सर, ये पहली मरतबा आपके पास कंप्लेंट कौन किया? जब ये डेट होने के बाद उसका भाई वगैरह कोई आया था आपके पास कंप्लेंट करने? कभी भी नहीं है, कल शाम में 6 बजे डायरेक्ट आ गए थे। लेडीज आ गई थी कंपनी? नहीं नहीं नहीं, दोनों मियां बीबी दोनों आए। जो विक्टिम का जो मर गए सो मरूम का भाई, बड़ा भाई इसाक, इसाक और आयशा बेगम कंप्लेंट आए। यस, नहीं नहीं, इसाक कंप्लेंट है, उसके संगत उसका मिसेस है।
दोनों भी डाउट सस्पिशियस इसके ऊपर, शक किस पे हो रहा हूं? उसका भाई के ऊपर, उसका भाई का मिसेस, भाई बोले तो मोहम्मद अनवर, हाँ, उसका मिसेस का नाम कुछ है, दोनों के ऊपर, हाँ ये है।